नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरएच फैक्ट। तो दोस्तों, भारतीय वायुसेना अपने बेड़े में पुराने पड़ चुके MiG-21 विमानों की जगह 100 और हल्के लड़ाकू LCA तेजस MK-1A लड़ाकू विमान खरीदने की योजना बना रही है। तो दोस्तों, पूरी खबर है क्या, आपको इस वीडियो में बताएंगे। बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, आपको पहले से पता होगा कि तेजस MK-1A के लिए आखिरी ऑर्डर 83 लड़ाकू विमानों का किया गया था, जिसमें से 73 सिंगल सीटर होंगे और 10 जो होंगे वो ट्विन सीटर ट्रेनर जेट होंगे। और ये कॉन्ट्रैक्ट 48,000 करोड़ रुपए का हुआ था और इसके पहले विमान की आपूर्ति अगले साल फरवरी के आसपास हो जाएगी। तेजस MK-1A हालांकि पहले बने हुए तेजस और आगे आने वाले अत्याधुनिक तेजस MK-2 के बीच का वेरिएंट है। दोस्तों, तेजस सिंगल इंजन वाला 6500 किलोग्राम का हल्का लड़ाकू विमान है, जिसके 50% कलपुर्जे भारत में ही बने हैं। इसमें इसराइल का ELM-2052 रडार लगाया गया है। ये एक साथ 10 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और उन पर हमला कर सकता है। इसे बेहद ही छोटे रनवे से टेक ऑफ भी किया जा सकता है। और अगर हम तेजस LCA MK-1A की बात करें तो ये इससे सुपीरियर होगा। इसमें एरोनिक्स परफॉर्मेंस और वेपन कैपेबिलिटीज को बढ़ाया गया है। इस लड़ाकू विमान में विभिन्न प्रकार के बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलें दागने की क्षमता होगी और ये साबित करता है कि तेजस MK-1A स्मूथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन के लिए फ्लेक्सिबल होगा, जो विभिन्न प्रकार की विजुअल रेंज मिसाइलों को ले जाने के लिए आवश्यक होंगी, जो भारतीय वायुसेना की सूची में उपलब्ध है। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अस्त्र मिसाइल, जो हवा से हवा में मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल है, जो बियॉन्ड विजुअल रेंज हमला करने में भी सक्षम है। इस मिसाइल का फायर टेस्ट किया गया हमारे तेजस फाइटर जेट से और तेजस फाइटर जेट ने 20,000 फीट की ऊंचाई से मिसाइल दागी, जो टारगेट पर जाकर सटीकता से लगी। दोस्तों, इससे पता चलता है कि हमारा तेजस MK-1A में किस प्रकार के हथियार लगने वाले हैं। इन मेड इन इंडियन विमानों की खरीदने की योजना रक्षा मंत्रालय और नेशनल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के अन्य सभी स्टेक होल्डरों को सौंप दी गई है। और ये निर्णय उस समय लिया गया जब इंडियन एयरफोर्स के एयर मार्शल VR चौधरी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सहित सभी संस्थाओं के साथ स्वदेशी लड़ाकू जेट कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की थी। इस समीक्षा बैठक के दौरान ये भी बताया गया कि तेजस के सभी कॉन्ट्रैक्ट फाइटर वेरिएंट्स भारतीय वायुसेना को सौंप दिए गए हैं। दरअसल दोस्तों, प्राइवेट डिफेंस एरोस्पेस को अब तक का सबसे बड़ा बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट को जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तेजस MK-1A कार्यक्रम के लिए 20 प्रकार के सिस्टम के विकास और आपूर्ति के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है और 5 साल की कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2400 करोड़ रुपए की है, जो 2023 से लेकर 2028 तक की है। इसमें क्रिटिकल एवोनिक्स लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट्स, फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर और रात में उड़ान भरने वाले LRU की आपूर्ति शामिल है। ये आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देते हुए HL द्वारा किसी भारतीय कंपनी को दिया गया अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है। दोस्तों, तेजस MK-1 विमान में वायुसेना की आपूर्ति किए जा रहे शुरुआती 40 तेजस की तुलना में अधिक एडवांस एवियोनिक्स और रडार हैं। नए तेजस MK-1A में स्वदेशी सामग्री 65% से अधिक होगी। दोस्तों, इस ऑर्डर का मतलब ये होगा कि तेजस लड़ाकू विमान बहुत ही ज्यादा बड़ी संख्या में भारतीय वायुसेना को मिलेंगे। अगले 15 वर्षों में भारतीय वायुसेना के पास 40 तेजस, 180 से अधिक तेजस MK-1A और कम से कम 120 तेजस MK-2 विमान होंगे। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है पूरी खबर पर कि भारत कब तक अपने पुराने पड़ चुके फाइटर जेट को रिप्लेस कर सकेगा अपने नए फाइटर जेट तेजस MK-1A से? कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।